जो है आपके लाडले हमारे लाडले उनका बड़ा हुजूम हमारे बीच आएगा। मिस्टर हंसु चौधरी चार लोगों की उपस्थिति हो, लेकिन लाखों अभिभावकों ने अपने विश्वास से जब इनको सींचा, तब जाकर मयूर का बीज एक वटवृक्ष का रूप लिया, जिसकी छत्र छाया में आप और हम दोनों बैठे हैं। हर बार ग्रामीण तबके के जो लोग हैं उनके सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता था कि मार साहब चाहे बायो दिरावा, चाहे एग्रीकल्चर दिरावा, चाहे मैथमेटिक, चाहे आर्ट्स, लेकिन बार भी पढ़िया के बाद में टाबर ने जब कोचिंग लाइन में भेजा जाना फीसा ज्यादा लगे, और दो तीन साल कोचिंग में पढ़ाने के बावजूद भी सिलेक्शन को रेशियो और भी की गारंटी होनी, माँ के अभिभावक की आ बात दिमाग में खटकी और एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ो करो। इन बात ने मैं सीरियसली लेर एक चुनौती के रूप के माए लेर, और आज चाहे आर्ट्स सब्जेक्ट हो, चाहे मैथमेटिक हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर, सगड़ा के मायने फाउंडेशन कोर्स शुरू करियो। बदलता जमाना के साथ शिक्षा को स्तर भी बदल रही है। लोगों के मन में आई कि एक इंग्लिश मीडियम संस्था हुए तो मार साहब थांजियान की सुविधा कोनी, इंग्लिश मीडियम अगर था स्कूल करो तो मैं बच्चा ने थाकन भेजा। गार्जियनों भी इस बात को संजोया दिमाग में दिल में, और इंग्लिश मीडियम संस्थान की स्थापना की गई, जो पहली से लगाकर नर्सरी कक्षा से लगाकर दसवीं कक्षा तक सीबीएसई माध्यम में संचालित है। बारहवीं के बाद ग्रामीण स्तर के लोग अपने बच्चों को बच्चियों को दूर नहीं भेजना चाहते, तब हमने उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज की स्थापना की, जहां आज बच्चे बीएससी और बीए के साथ में एनसीसी करते हैं। होम सेंटर हमारा यहाँ, और इसीलिए हमारा ध्येय वाक्य बना कि नर्सरी से नौकरी तक का सफर आप मयूर के शंख तय कर सकते हैं। सगड़ों के लिए आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रिंस गरबा 96%। एक बार बच्चे के लिए हाथ को लहरा दीजिए हवा में जोरदार तालियां। 96% प्रिंस गरबा टॉपर है। मंचासी नतीजों से निवेदन है कि आप आए कृपया।
हंसराज चौधरी। आपके कितने परसेंटेज बने या ना बने, आपने उम्मीद 90 की कर रखी और बच्चे के 85 बन गए हो, बच्चे ने 95 की उम्मीद कर रखी और बच्चे के 90% बन गए हो, ये दूसरी बात है। थाला टावर के 85% बनया, पड़ोसी शर्मा जी के बच्चा के 90% बनया, आ बात करे टावर ने कदे डिमोटिवेट नहीं करना है। दसवीं का परसेंटेज, दसवीं की परीक्षा एक पड़ाव हो और उन पड़ाव ने आप और आपको बच्चों एक तरीका पार करियो भी के लिए आपको सहयोग रियो और बच्चा ने हमेशा मोटिवेट करनो ये बात ने लेर। और मैं ये बात आप क्यों कह रही हूं कि पीछे एक वजह आया है कि थाका बच्चा के मयूर में एक अच्छा परसेंटेज बढ़िया या कौन बढ़िया। और दूसरी बात है, पहली बात आ है कि थाका बच्चा में अच्छा इंसानियत गुण निखर आया। मैं हमेशा आज के बदलती शिक्षा में ही बात पर जोर रखा कि टाबर ने अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक संस्कारित शिक्षा उपलब्ध करवाओ। आप सब की जोरदार तालियों के बीच मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कक्षा 10 में मयूर की सल्तनत के सुल्तान टॉपर प्रिंस गरवा 96%। मेरा नाम प्रिंस गरवा है। इस साल बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन में मैंने 96.00% हासिल करे और मेरी इस मुकाम का श्रेय पूरा मयूर संस्थान को और मेरे अध्यापक गण को जाता है। मैं लगातार 6 साल से इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। जिस तरह ये विद्यालय बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, उसी तरह विद्यार्थी आगे अपने भविष्य के अंदर किसी बड़ी मुकाम या किसी बड़े पद पर अपने परिचय देते हैं। यहाँ की फैकल्टी की बात करूँ तो सब इस टेगाना या नागौर में किसी भी क्षेत्र में ऐसी कोई स्कूल नहीं होगी जितनी फैकल्टी मयूर में है। यहाँ पर मैं संस्थान के निर्देशक श्री देवकर जी द्वारा जो बच्चों को अपने पुत्र के भांति उसका ख्याल रखते हैं और उसके उसको शिक्षा देते हैं। मैंने इस सत्र के अंदर बहुत मेहनत की और उस मेरे से ज़्यादा मेहनत मेरे अध्यापक गण ने की जिन्होंने मेरा साथ खूब दिया और उनके साथ के कारण ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। एक बार फिर से मैं इस मयूर का और इस मयूर स्कूल के मेरे अध्यापक सभी अध्यापक गण का धन्यवाद कहना चाहता हूँ और मैं सभी गार्जियंस को यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ाएं परंतु आपको मयूर स्कूल जैसी कभी स्कूल प्राप्त नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद।